राधे राधे दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल हरि आशियाना बिल्डर्स पे। दोस्तों आज आपके लिए हम लेके आए हैं 60 गज में बनके हमारा ये फ्लैट तैयार हुआ है, जो 2 BHK फ्लैट रहने वाला है, साथ में कार पार्किंग के साथ। दोस्तों मेट्रो से डिस्टेंस की बात करें तो जो इसकी द्वारका मोड़ मेट्रो से कनेक्टिविटी रहने वाली, बिल्कुल 700 मीटर की दूरी पे इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। दोस्तों फ्लैट में जाने से पहले मैं दोस्तों आपका फ्लैट में ओवरव्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों फ्लैट के ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, हमने यहाँ पे इंटरकॉम फैसिलिटी भी लगाई हुई है, साथ में बाकी आप स्पेस देख सकते हैं। हमारा जो ड्राइंग रूम का है, काफ़ी स्पेसियस ड्राइंग रूम रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे इजीली आप एल टाइप का 5-7 सीटर का सोफा लगा सकते हैं आप। साथ में बात करें वॉलपेपर की, दोस्तों वॉलपेपर हमने जो यहाँ पे 3D वॉलपेपर लगाया हुआ है, दोस्तों देखते हैं, काफ़ी वॉशेबल और 3D क्लासिकल वॉलपेपर है। साथ में आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग भी आपको लगा के दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करें इसके टीवी पैनल की, तो आप देख सकते हैं सामने जो है टीवी पैनल बनाई हुई, काफ़ी अच्छे स्पेस और लग्जरियस टीवी पैनल है। साथ में इजीली आप यहां से 40-45 इंच की आप LED टीवी लगा सकते हैं। और इसके स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों हमने इसके नीचे जो है स्टोरेज के लिए भी कवर्स वगैरह बनाए हुए हैं, जो कि इजीली आप इसमें अपना सामान वगैरह इजीली आप प्लेस कर सकते हो। साथ में स्पोर्ट्स लाइटें भी हमने यहाँ पे लगाई हुई आप देख सकते हैं, जो कि डेकोरेशन के आइटम वगैरह आप इजीली आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो बात करें इसकी फैंसी लाइट्स देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे फैंसी लाइट भी लगाए हुए हैं। तो दोस्तों इसके फॉल सेलिंग की बात करें तो फॉल सेलिंग आप देख सकते, काफ़ी क्लासिकल और खूबसूरत लुक में यहाँ पे हमारा फॉल सेलिंग रहने वाला है दोस्तों, जो कि हमने इसके अंदर ग्लास का भी वर्क किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे काफ़ी सुंदर और बेहतरीन ग्लास का वर्क किया हुआ है। दोस्तों बात करके फैन की, तो यहाँ पे हमने ब्रांडेड जो है फैन लगाए हुए हैं, साथ में झूमर है, झूमर भी काफी खूबसूरत लुक में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो दोस्तों हमारे ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला, काफी बड़े स्पेस में हमने यहाँ पे कॉमन वॉशरूम जो है ये बनाया हुआ है, काफी अच्छे स्पेस में बनाया हुआ है। नीचे हमने टाइलों का भी यूज प्रॉपर किया हुआ है, साथ में आप देख सकते हैं हमने वॉल टू वॉल ऊपर तक हमने टाइलों का यूज किया हुआ, जो कि आपको सीलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी हमारे जो दीवालों पे है। साथ में यहाँ पे गोल्डन ग्लास का भी वर्क किया हुआ है, बीच बीच में आप देख सकते हैं ग्लास का भी वर्क हैवी है हमारा। साथ में यहाँ पे हमने मिरर का भी यूज किया हुआ है, साथ में WC की सीट है, सीट भी आपको यहाँ पे हम लगा के दे रहे हैं। बात करें इसके वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन भी हमारे इसमें प्रॉपर है, इजिली आप वेंटिलेशन वगैरह जो है इसके हम दे रहे हैं, इजिली आप हवा वगैरह इजीली आएगी, घुटन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ में आपका बेसिन है, इजीली आप इसको बेसिन को आप यूज कर सकते हैं। बात करें इसके शावर की, तो हमने वॉल पे इसके शावर लगाए हुए आप देख सकते हैं इजीली, काफी खूबसूरत लुक में है। तो बात करें इसकी लाइटिंग की, तो हम यहाँ पे आपको कॉप लाइट लगा के दे रहे हैं, देख सकते हैं आप काफी खूबसूरत में यहाँ पे कॉप लाइट्स लगे हुए हैं हमारे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने मॉडलर किचन की तरफ। तो किचन में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने यहाँ पे कितना क्लासिकल वर्क किया हुआ है, जो कि गोल्डन ग्लास का है और ग्रीन ग्रास का हमने यूज़ किया हुआ है, और साथ में स्पोर्ट्स लाइट्स भी हमने लगाई हुई है, जो कि आप इजीली डेकोरेशन के जो आइटम्स है वो आप ऊपर तक अपना प्लेस कर सकते हो। दोस्तों बात करें इसके स्पेस की, तो स्पेस की भी आपको इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छे स्पेस में हमारे मॉडुलर किचन रहने वाला है। बात करें फ्रिज की स्पेस की, तो हमने यहाँ पे फ्रिज का भी स्पेस हमने अलग से, स्विचेस वगैरह हैं हमने अलग से दिया हुआ है आपको फ्रिज का स्पेस। बात करें इसके स्टोरेज की दोस्तों, तो स्टोरेज की भी आपको इसमें कोई कमी नहीं होने वाली, हमने यहाँ पे सारे कवर्स वगैरह बनाए हुए हैं, जो कि आप इसमें आराम से जो भी अपना सामान वगैरह है आराम से इसमें अपना प्लेस कर सकते हो। साथ में चिमनी का भी स्पेस है, हमने चिमनी आपको लगा के दी हुई है सामने,
नीचे भी हमने कवर्स वगैरह ड्रॉर्स वगैरह बनाए हैं जो कि आप आराम से अपना सामान वगैरह जो है इसमें अपना प्लेस कर सकते हो दोस्तों। हर तरीके का हमने इसमें काफ़ी ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ इसमें बनाया हुआ है। साथ में बात करें आर ओ की तो आर ओ का भी हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है जिसमें आप इजीली अपने बड़े से बड़ा आर ओ प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों टैप्स की बात करें तो हमने यहाँ पे टैप्स लगाए हुए हैं जो कि इजीली आप यहाँ अपने वर्क कर सकते हैं। साथ में सिंक भी हमने स्पेशियस सिंक्स यहाँ पे लगाया हुआ है। दोस्तों बात करें इसकी सेल्फ की तो हमने यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे लुक में है। साथ करें बात करें तो इसके टाइल्स की तो हमने हाफ टाइल्स का भी वहाँ पे वर्क किया हुआ है। पूरा किचन में हमने हाफ टाइल का भी वर्क किया हुआ जो काफी सुंदर और अट्रैक्टिव लुक में दे रहा है दोस्तों। और लाइटिंग की बात करें दोस्तों तो लाइटिंग आप देख सकते हैं हमने स्पोर्ट्स लाइट्स भी लगाए हुए ऊपर, साथ में कॉप लाइट का भी हमने यहाँ पे लगाए हुए है दोस्तों। साथ में बात करें फैंसी लाइट्स की तो फैंसी लाइट भी हम यहाँ पे आपको लगा के दे रहे हैं जो काफी खूबसूरत आपको किचन को बनाता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि बालकनी से अटैच रहने वाला है। तो दोस्तों हमारा ये फर्स्ट बेडरूम है, काफ़ी अच्छे स्पेस में बना हुआ है, काफ़ी बड़े स्पेस में हमारा ये फर्स्ट बेडरूम बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बेड का भी स्पेस इजीली बनाया हुआ है कि आप देख सकते हैं बेड लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच रहा है। बात करें इसकी वॉल की तो हमने यहाँ पे वॉल पे काफ़ी सुंदर यहाँ पे हमने वॉलपेपर्स का यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे लुक में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में बात करें स्पोर्ट्स लाइट्स की तो हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स लाइट्स भी लगाए हुए हैं जो कि यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम वगैरह इजीली आप प्लेस कर सकते हो। और इसके स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पे कवर्स भी बनाए हुए हैं जो कि सामान वगैरह जो भी आपको रखना है आराम से आप नीचे भी हो गया स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली, आराम से आप जो भी सामान है आप रख सकते हो। साथ में लैंप है, मोबाइल है, इजीली आप यहाँ पे आप लगा सकते हो दोस्तों। तो बात करें इसकी फॉल सेलिंग की तो फॉल सेलिंग में भी हमने आप देख सकते हैं इतना बेहतरीन और सुंदर लुक बनाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे लुक में क्लासिकल वर्क के साथ हमने बनाया हुआ है। फैन का भी ब्रांडेड फैन आपको लगा के यहाँ पे दे रहे हैं। तो दोस्तों बात करें इसकी वेंटिलेशन की तो वेंटिलेशन की भी इसमें आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। हमने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बिग साइज का विंडो बनाया हुआ है जो कि इजीली आप विंडो एसी प्लेस कर सकते हो। इसके साथ ही बात करें तो लाइटिंग की तो हमने यहाँ पे फैंसी लाइट भी लगाया हुआ है, देख सकते हैं कितना आपको बेडरूम को और खूबसूरत बनाता है ये लाइट्स। तो दोस्तों चलते हैं अब बेडरूम से अटैच अपनी बालकनी की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने बेडरूम से अटैच बालकनी की तरफ। तो देख सकते हैं हमारी बालकनी का स्पेस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़े साइज में हमारा ये बालकनी रहने वाला है जो कि इजीली आप यहाँ पे अपना कपड़ा वगैरह वॉश कर सकते हैं और साथ में और भी काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पे रेलिंग का यूज़ किया हुआ है, स्टील रेलिंग है जो काफ़ी अच्छे लुक में हमने लगाई हुई है, देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर लुक में यहाँ पे हमने रेलिंग लगाई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे वॉल टू वॉल हमने ऊपर तक टाइलों का भी यूज़ किया हुआ है कि जिससे आपको सीलन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और लाइटिंग की बात करें दोस्तों हमने तो गैलरी में भी हमने यहाँ पे लाइट आपको दी हुई है। तो दोस्तों वॉशिंग एरिया की बात करें तो इजीली आप यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन का भी स्पेस काफ़ी बड़ा दिया हुआ है जो कि आप इजीली अपना मशीन यूज़ कर सकते हैं। सामने है जो है हमने टैप्स भी बनाए हुए हैं, ईजिली आप जो है अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर सॉकेट्स का भी है, यूज़ आराम से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपने हमारा फर्स्ट बेडरूम देखा, चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ दोस्तों। ये हमारा दोस्तों मास्टर बेडरूम रहने वाला है, काफ़ी अच्छे स्पेस में हमारा ये मास्टर बेडरूम बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बेड भी लगाया हुआ है जिस तरीके से आपको काफ़ी स्पेस भी मिल रहा है, बेड लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है दोस्तों। और बात करें इसकी स्टोरेज की तो स्टोरेज के लिए भी हमने यहाँ पे कोई कमी नहीं की है, ईजिली हमने कवर्स वगैरह बनाया है, अलमारी का यूज़ किया हुआ है, जो भी सामान वगैरह रखना है आप इसमें प्लेस कर सकते हो। साथ में बात करें तो नीचे भी हमने यहाँ पर स्पेस बनाया हुआ है जैसे कि लैम्प है, मोबाइल है, डेकोरेशन के आइटम है वो लगा सकते हैं। स्टोरेज की दोस्तों कोई कमी नहीं होने वाली। अब बात करें इसकी वॉल की तो वॉल पे हमने यहाँ पे वॉलपेपर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। तो बात करें दोस्तों इसके ऊपर की तो हमने यहाँ पे वुडन का पूरा वर्क किया हुआ है और साथ में स्पोर्ट्स लाइट्स भी लगाई हुई है जो कि आप डेकोरेशन के जो भी आइटम्स है वो आराम से इजिली आप लगा सकते हैं दोस्तों। और बात करें इसकी फॉल सेलिंग की, फॉल सेलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी क्लासिकल और खूबसूरत लुक में हमने यहाँ पे फॉल सेलिंग बनाई हुई है जो कि अंदर एलईडी लाइटों का हमने यूज़ किया हुआ है। साथ ही साथ हमने कॉप लाइट भी लगाई हुई है, साथ में हमने यहाँ पे ब्रांडेड फैन भी लगाया हुआ है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों इसकी वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन की भी आपको कोई कमी नहीं होने वाली इस हमारे बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे हमने वेंटिलेशन का पूरा विंडो दी हुई है जो कि आराम से आप विंडो एसी आराम से प्लेस कर सकते हैं। साथ में सॉकेट्स भी हैं, यहाँ पे इजिली जो है आप यहाँ पे अपने एसी का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बात करें इसकी लाइट की तो हमने यहाँ पे फैंसी लाइट भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी आपके बेडरूम को और खूबसूरत बनाता है दोस्तों ये। तो दोस्तों चलते हैं अपने बेडरूम से अटैच वॉशरूम के साथ वॉशरूम में।
तो दोस्तों हम अपने वॉशरूम में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा वॉशरूम काफी अच्छे स्पेस में बना हुआ है। फुल टू फुल हमने टाइलों का वर्क किया हुआ है, हमने पूरा ऊपर तक टाइलों का वर्क किया हुआ है। काफी आपके वॉशरूम को काफी शानदार और खूबसूरत बनाता है। जो हमने हाफ टाइलों का अलग कलर यूज किया हुआ है, साथ में हमने ग्लास का भी वर्क यहाँ पे किया हुआ है जो कि आपके काफी अच्छा लुक दे रहा है। साथ में बात करें कि टैप्स की, तो हमने यहाँ पे टैप्स का भी काम किया हुआ है, WC की सीट लगाई हुई है, साथ में टैप्स वगैरह का सारा यूज किया हुआ है। और बात करें दोस्तों इसकी वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन भी आपकी इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। हमने यहाँ पे वेंटिलेशन भी प्रॉपर बनाए हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा वेंटिलेशन भी है। और साथ में शावर की बात करें तो शावर भी आपको ऊपर हम यहाँ पे लगा के दे रहे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारा ये फ्लैट देखा, काफी अच्छे स्पेस में बना हुआ है जो कि 60 गज में बनके तैयार हुआ है, 2 BHK फ्लैट विद कार पार्किंग के साथ दोस्तों। तो दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी से द्वारका मोड़ मेट्रो से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे रहने वाला है हमारा फ्लैट। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन गेटेड सोसाइटी है हमारी, जो गलियां है सारी की सारी आपकी 25 से 30 फुट की चौड़ी गलियां रहने वाली है। नियर मार्केट है, बैंक है, ATMs है, इजिली हर चीज आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको सब कुछ मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हमारी जो ये फ्लैट है आपका LIC अप्रूव्ड रहने वाला है, जो कि 90% बैंक लोन के साथ रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों काफी बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में हमारे फ्लैट रहने वाला है, कहीं आपके हाथों से दोस्तों ये फ्लैट निकल ना जाए दोस्तों। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जल्दी से जल्दी कॉल करें, विजिट करें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए फ्लैट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं कि ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नई वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।